हेलो दोस्तों, अगर आपने भी बीपीएल कार्ड के लिए अप्लाई कर रखा है तो मैं आपको बता दूं, बीपीएल कार्ड की नई लिस्ट आ चुकी है। इस लिस्ट को कैसे निकालना है ये मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है और उस पर आपको टाइप करना है SECC। इतना टाइप करने के बाद आपको सर्च कर देना है। जब आप सर्च कर देंगे तो आपके सामने एक वेबसाइट शो होगी। सबसे पहले IPPE2 इस वेबसाइट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस वेबसाइट पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे कुछ डिटेल फिल करनी होगी। यहाँ पे आपसे आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक और पंचायत फिल करने को बोला जाएगा। चलिए सबसे पहले आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका स्टेट है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा डिस्ट्रिक्ट का। यहाँ पर आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेनी है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा ब्लॉक का। यहाँ पे आपको अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका ब्लॉक है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जब आप ब्लॉक सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा पंचायत का। यहाँ पे आपको अपनी पंचायत सेलेक्ट कर लेनी है। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने पंचायत की लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको अपनी पंचायत सेलेक्ट कर लेनी है। पंचायत सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा ऑर्डर बाय का। इस पे आपको क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपसे पूछ जाएगा आप विलेज वाइज देखना चाहते हैं लिस्ट या नेम ऑफ हेड वाइज, तो आपको यहाँ पे विलेज वाइज ऑप्शन पे टिक रहने देना है। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जब उसके बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा सबमिट का। इस सबमिट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बीपीएल कार्ड की पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगी। आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर आपको आपका जॉब कार्ड नंबर शो हो जाएगा, उसका नेम ऑफ द हेड ऑफ द HS हो जाएगा, यूनिक आईडी आपको शो हो जाएगी, फैमिली आईडी शो हो जाएगी, सोशल कैटेगरी शो हो जाएगी आपको, और यहाँ पर आपको और इस लिस्ट में आप अपना नाम देख सकते हैं। अगर आपका इस लिस्ट में नाम है तो आपका बीपीएल कार्ड बन चुका है। और मैं आपको बता दूं, बीपीएल कार्ड धारकों में जिन व्यक्तियों का नाम आएगा उन्हें सरकारी योजनाओं में लाभ मिलेगा, और इस कार्ड के अंतर्गत आप प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, हर घर बिजली जैसी योजनाओं का लाभ भी उठा सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।